हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में इस 4.1 होम थिएटर बोर्ड का कंप्लीट वायरिंग करके बताएंगे और इसका कंप्लीट कनेक्शन आपको समझाएंगे कि इसका कनेक्शन आपको कैसे करना है। और इस वीडियो में हम होम थिएटर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उस सब का मैं यहाँ पर आज दिखाऊँगा और उसका जो है आपको लोकल मार्केट का प्राइस भी बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास ये होम थिएटर बोर्ड है 4.1। तो इसकी पन्नी एक बार आपको मैं निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास 4.1 होम थिएटर बोर्ड है जिसमें कि यहाँ पे टोटल 4 आईसी लगी हुई है। तो एक आईसी हमारी बीच पचास में है। ये देखिए, बीच पचास में दोस्तों टोटल यहाँ पे 4 आईसी लगी हुई है। तो हमारा क्योंकि ये 4.1 है तो इसका मतलब इसमें 4 स्पीकर लगेंगे और एक सब बूफर लगेगा। तो चलिए दोस्तों, इसके हम आपको अभी कनेक्शन बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बोर्ड मुझे यहाँ पर लोकल मार्केट से 280 रुपये का मिल गया है। इसके बाद जो है हम अपने बूफर की तरफ आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पर ये देखिए ओसवाल कंपनी का बूफर लिया है। ये देखिए, ये इसका डिब्बा है। तो एक बार मैं आपको बूफर दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ये हमारा बूफर है दोस्तों, इसे सब बूफर भी बोलते हैं। तो ये दोस्तों हमारा 25 वाट 4 ओम में है, ओसवाल कंपनी का। ये देखिए, और ये देखिए इसका जो आगे वाला जो पर्दा है, काफ़ी अच्छा है, बूफर है। ये देखिए, इसका पर्दा इस तरह से देखिए अंदर बाहर हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों, ये बूफर है 5 इंच में, तो काफ़ी अच्छा बेस निकालेगा। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे, ये देखिए, हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर ख़रीदा है क्योंकि हमारे होम थिएटर में ट्रांसफार्मर भी लगेगा। ये हमने मार्शल कंपनी का लिखा है, ओरिजिनल हमारा ट्रांसफार्मर है। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर 12012 3 एम्पियर में है, क्योंकि 3 एम्पियर से कम आपको नहीं लगाना है, नहीं तो आपका जो इसमें हमिंग प्रॉब्लम आ जाएगा, पावर सप्लाई थोड़ी सी भी कमज़ोर रहेगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 एम्पियर का लिया। ये देखिए, इसमें मार्शल यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये हमारा ओरिजिनल ट्रांसफार्मर है। इसकी कॉयल जो है काफ़ी अच्छी होती है, तो आपको लोकल नहीं लेना है, अच्छा ट्रांसफार्मर लेना है। और ये 623 इसका मैनुफैक्चरिंग है। ये देखिए, नया ही ट्रांसफार्मर है, और देखिए 12012 इसमें लिखा हुआ। तो ये हमारा 3 एम्पियर में है। ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा वजनी वेट भी है इसमें। तो इसके बाद जो हम अपने ब्लूटूथ पैनल में आ जाते हैं। ये देखिए, हमने ब्लूटूथ पैनल ख़रीदा है, तो ये मुझे 90 रुपये का मिल गया। ये काफ़ी सस्ता ब्लूटूथ पैनल आता है इसमें। ये देखिए, इस तरीके का ये हमारा ब्लूटूथ पैनल है, इसमें कि हमारा जो है एफएम रेडियो ऑडियो सब इसमें चल जाता है। इसमें ब्लूटूथ होता है, यूएसबी होता है, एचडी कार्ड लगा सकते हैं, सब होता है, ऑक्स केबल से भी इसको चला सकते हैं। और ये इसमें जो है एक सिंपल सा रिमोट मिलता है, ये काफ़ी हल्का रिमोट रहता है। इसके बाद दो हमें यहाँ पे केबल मिला है, एक पावर देने के लिए लगा है, और ये जो हमारा जिसमें 4 वायर आते हैं, ये एंटीना का है, और ये हमारा ऑडियो वीडियो सिग्नल के लिए है, सिंपल सा है। और दोस्तों, इसकी जगह आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरीके का अलग से रिमोट खरीद लीजिएगा। 20-20 रुपये में मिलता है, बटन वाले रिमोट होते हैं, काफ़ी अच्छा रिमोट रहता है, 20 रुपये का मिलता है। तो मैं आपको सब लोकल मार्केट का प्राइस बता रहा हूँ, तो इस तरीके से आप खरीद सकते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। चलिए दोस्तों, अपने बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और इसका हम आपको कंप्लीट कनेक्शन यहाँ पे पहले तो समझा देते हैं, इसके बाद हम करके यहाँ पे दिखाएंगे। चलिए अपने बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए 4.1 जो होम थिएटर बोर्ड है, आपको मैं एक बार बैक से दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छी इसकी प्रिंटिंग है, नया बोर्ड है और काफ़ी अच्छा बोर्ड है, मजबूत बोर्ड है, ऐसा नहीं है कि एकदम लोकल बोर्ड है। चलिए दोस्तों, इसके हम यहाँ पे कनेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, 12012 हमारा ट्रांसफार्मर का यहाँ कनेक्शन के लिए दिया है। तो इसमें हम 12012 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर या तो 5 एम्पियर का आप लगा सकते हैं। तो आप 3 एम्पियर का लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सही है 3 एम्पियर का। तो ये देखिए, 3 पॉइंट है, यानी यहाँ 12 और यहाँ 0, ये 12 इस तरीके से। तो बीच वाला पॉइंट हमारे बीच वाले में ही होगा, तो उसको आगे पीछे इन दोनों पॉइंट को आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। इसके बाद इसमें ये देख सकते हैं, 4 डायोड लगा हुआ है। तो इसका ये ब्रिज रेक्टिफायर बना है, क्योंकि ये AC को DC में कन्वर्ट करता है, ब्रिज रेक्टिफायर का जो मेन काम है। तो इसके बाद आप देखिए, इस तरीके से ब्रिज रेक्टिफायर बना दिया है 4 डायोड का। तो इसमें डायोड की साइज़ आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी साइज़ है। तो यानी ये 12 वोल्ट के हमारा जो बोर्ड है पूरा रन करेगा, 12 वोल्ट प्योर DC पे। इसके बाद इसमें देख सकते हैं, 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, 330 PUF 25 वोल्ट का। तो ये क्या करता है, ये हमारे जो इसमें जो है प्योर DC नहीं आता है, तो ये इस DC को प्योर DC बनाता है। क्योंकि इसमें अगर आप थोड़ा इसमें कुछ AC करंट भी मिला रहता है, तो इसको जो है प्योर DC बना देता है। ये हमारा एक काम से फिल्टर का काम करता है, और ये जो हमारे एनर्जी को जो थोड़ा सा स्टोर करता है, जिससे कि जो है हमिंग प्रॉब्लम या जो वोल्टेज डाउन की प्रॉब्लम समस्या खत्म हो जाती है। तो हमारा ये देखिए, ब्रिज रेक्टिफायर बना है, जिससे कि प्योर DC जो है यहाँ पे 12 वोल्ट प्योर DC इसमें बन के आता है इस बोर्ड में। आपको सिंपल में बता दिया हूँ। और जो इसकी IC का नंबर है 2050 IC है, और 2030 की भी IC आती है, तो आप वो भी ले सकते हैं, मगर उसमें जो है थोड़ा सा पावर कम होगा, बेस थोड़ा कम होगा, इसमें बेस जो है थोड़ा ज़्यादा होगा, तो 2050 की ही IC लीजिएगा। तो इसके बाद यहाँ तो हमारा ट्रांसफार्मर के कनेक्शन होंगे। इसके बाद ये देखिए, स्पीकर के कनेक्शन पे आ जाते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ, इसमें आप टोटल 4 स्पीकर लगा सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो आप इससे कम भी लगा सकते हैं, 2 स्पीकर भी लगा सकते हैं,
बस इसमें आप जो है मैक्सिमम 4 स्पीकर लगा सकते हैं, तभी तो ये हमारा 4.1 बना। तो इसके बाद आप ये देखिए इसमें दो दो पोर्ट दिए हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीकर, तो इस वाले पोर्ट में 2 स्पीकर कनेक्ट होंगे और इस वाले पोर्ट में 2 स्पीकर कनेक्ट होंगे। तो आप इसमें देख रहे हैं 3 वायर है, यानी बीच वाला जो है हमारा कॉमन रहेगा दोनों स्पीकर के, तो यहाँ पे कॉमन रहेगा और एक तो यहाँ पे लेफ्ट वाला ये रहेगा और ये हमारे राइट स्पीकर के लिए रहेगा। वैसे ही इसमें भी सेम रहेगा, ये हमारा बीच वाला कॉमन हो जाएगा और ये दोनों हमारा राइट और लेफ्ट स्पीकर के लिए हो जाएगा। ये लेफ्ट वाला ये हो गया, राइट ये हो गया, समझ गए। यानी बीच वाला स्पीकर का जो है कॉमन रहेगा आपका। ये दिखा दूँ, इसमें 3 पॉइंट है, ये बीच वाला कॉमन और ये लेफ्ट और ये राइट, बीच वाला कॉमन लेफ्ट और ये राइट, तो 4 स्पीकर का कनेक्शन आप कर सकते हैं। ये देखिए बीच में भी देखिए आप इसमें प्रिंटिंग भी देख सकते हैं, कॉमन देखिए इस तरीके से दोनों का बीच वाला एक तरफ है और ये राइट वाला लेफ्ट वाला देखिए किस तरीके से अलग अलग है। ये देखिए हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया, ये देखिए पीछे प्रिंटिंग भी आप देख सकते हैं, सिल्वर वाली गोल्ड वाली पट्टी। तो यहाँ स्पीकर एक कनेक्शन हो गए। इसके बाद ये देखें यहाँ पे ये हमारे जो इसमें 2 पॉइंट है, ये हमारा ये ब्लूटूथ पैनल को पावर देने के लिए, जो आप इसमें ब्लूटूथ पैनल लगाएंगे, क्योंकि बेसिकली ब्लूटूथ पैनल जो है 5 वोल्ट से चलते हैं, ये 5 वोल्ट डीसी से चलता है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 5 वोल्ट डीसी चलता है, और भी दोस्तों कई सारे ब्लूटूथ पैनल आते हैं, बड़े आते हैं, तो सब 5 वोल्ट पे रन करते हैं। और जो हमारा जो बोर्ड है इसमें जो है यहाँ पे 12 वोल्ट आता है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट आता है, तो 5 वोल्ट फैंट इसकी वजह से आता है। जो आईसी लगी है 7805, ये क्या करती है 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके इस यहाँ पे पहुँचाती है। ये देखिए 7805 ये रेगुलेटर आईसी है, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी भी बोलते हैं इसको, तो ये 12 वोल्ट को जो है कन्वर्ट करके करेक्ट 5 वोल्ट देता है। देखिए 7805 देखिए लिखा हुआ है ना, तो ये 7805 का यही काम है इस आईसी का, कि जो 12 वोल्ट का जो सप्लाई इसमें आ रहा है डीसी को 5 वोल्ट कन्वर्ट करके हमारे ब्लूटूथ पैनल पे देती है। बस आपको इसमें ध्यान रखना है कि प्लस और माइनस आपको इसमें ध्यान रखना है, आपको उल्टा कनेक्शन नहीं करना है, कि आप उल्टा कनेक्शन कर दोगे तो ये पैनल हमारा ख़राब हो जाएगा। तो अब इसमें आपको पलट के यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए इसके ये 2 पॉइंट आ रहे हैं, तो यानी जो लेफ्ट वाला पॉइंट है ये हमारा प्लस हुआ और ये वाला ग्राउंड हुआ, ग्राउंड मतलब वही नेगेटिव आपका हो गया, आप माइनस भी बोल सकते हैं। ये वाला प्लस हो गया हमारा, जो ये वाला सिल्वर है देखिए हमने यहाँ पे मार्क लगा दिया है ताकि उल्टा कनेक्शन ना हो, और ये हमारा ग्राउंड हो गया, माइनस हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ब्लूटूथ पैनल को पावर देने के लिए यहाँ पे कनेक्शन होगा, तो यहाँ 5 वोल्ट डीसी। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साउंड, तो ये हमारा ऑडियो के लिए है, ऑडियो मतलब कि ऑडियो सिग्नल जो इस वाले बोर्ड से इसमें कनेक्ट होगा, जिसमें 3 वायर होते हैं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट ऑडियो राइट ऑडियो, बीच वाला ग्राउंड, तो उसके कनेक्शन है कि 3 पॉइंट लिखा बनाए ना यहाँ पे, तो लेफ्ट राइट ग्राउंड। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में जब आप इसका कनेक्शन, ये देखिए ये केबल है इसका, ये 3 केबल है यहाँ पे, इसमें जो इस तरीके से ये कनेक्ट होगा, यहाँ पे सोल्डिंग करना पड़ेगा, कनेक्टर तो नहीं है, और ये वाला कनेक्टर इसी के साथ मिल गया था ब्लूटूथ पैनल के साथ, तो इसको यहाँ पे हमें इस तरीके से कनेक्ट करना पड़ेगा। और इनके बीच में यहाँ पे एक वॉल्यूम कंट्रोल लगेगा, इसे पोटेंशियल मीटर हम बोलेंगे। ये देखिए इसमें 6 लग वाला यहाँ पे इनके बीचों बीच यहाँ पे ये लगेगा, तो उसके कनेक्शन हम अभी आपको करके दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इनके बीच में यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल लगेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये देखिए इसमें 2 पॉइंट यहाँ पे दिया है, ये हमारे बूफर के कनेक्शन होंगे यहाँ पे। ये देखिए क्योंकि इस बोर्ड में लिखा नहीं है तो बहुत लोगों को इसमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादातर बोर्ड में इसमें जो है यहाँ पे लिखा नहीं रहता, और कुछ ही बोर्ड है जिसमें यहाँ पे कनेक्शन लिखा रहता है कि यहाँ बूफर का कनेक्शन होगा यहाँ, तो उसमें समझ में आ जाता है, इसमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा डाउट होगा, जिसको नॉलेज नहीं होगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारा बूफर के कनेक्शन होंगे, तो इसके प्लस माइनस नहीं होते हैं, तो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, तो पीछे से इसको यहाँ पे सोल्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारा आखिरी पोर्ट आ गया, तो फ्रेंड्स ये हमारा बेस कंट्रोल करने के लिए, यानी जो बूफर का जो वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए है, तो आप देख सकते हैं इसमें 3 पिन लगा है, तो इसमें भी जो है पोटेंशियल मीटर लगेगा, तो इसमें जो डायरेक्ट आप इसको यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हैं वायर की मदद से, तीनों पैरेलल पैनल आपको कनेक्शन कर देना, इस तरीके का एक सिंगल लाइन वाला आपको चाहिए, और वॉल्यूम के लिए आपको जो है डबल वाला चाहिए, इस तरीके का डबल, देखिए डबल लाइन है ना इसमें, तो ये हमारा वॉल्यूम कंट्रोल के लिए होगा, ये सिंगल वाला। तो ये भी आप मुझे 20-20 रुपए में लोकल मार्केट से मिल गया है, तो 47K का ले सकते हैं या 100K का आप ले सकते हैं, आपके ऊपर कोई सा भी ले लीजिए जो मिल जाए आपको। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसके जल्दी जल्दी हम कनेक्शन कर देते हैं, इसके बाद फिर मैं आपको इसकी साउंड टेस्टिंग करा देता हूँ, क्योंकि हमने इसे जो है काफ़ी अच्छी तरीके से आपको जो इसको समझा दिया है। चलिए अब इसके कनेक्शन करते हैं जल्दी जल्दी फ्रेंड। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बूफर के कनेक्शन कर देते हैं, तो इसके जो यहाँ पे वायर है ये देखिए 2 पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए ये 2 पॉइंट इसके यहाँ बूफर के हैं, तो चलिए इनमें दो वायर यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं बूफर से। तो फ्रेंड्स ये हमारा बूफर का कनेक्शन हो गया, इसके बाद हम यहाँ पे हमारा जो है लेफ्ट राइट और ग्राउंड वाले का हम यहाँ पे ऑडियो का यहाँ पे कनेक्शन करेंगे, तो उन दोनों के बीच में हमें यहाँ पे इसका पोटेंशियल मीटर लगाना पड़ेगा, ये देखिए हमारे वॉल्यूम कंट्रोल के, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में यहाँ पे लगेगा। तो इसको कनेक्शन फ्रेंड्स हम बता देते हैं, तो ये हमारा लेफ्ट वाला जो ये वाले पॉइंट है, आप ये देखिए
ये वाला पॉइंट जो है सबसे आखिरी वाला है, ये हमारा ग्राउंड रहेगा, तो इन दोनों को हमें कॉमन कर देना है, इस तरीके से सटा देना है। ये देखिए, इसके बाद हम सोल्डिंग कर देंगे। इसके बाद ये दोनों पॉइंट हमारा अलग अलग रहेगा, तो ये हमारा राइट के लिए होगा, ये लेफ्ट के वो लेफ्ट के लिए यहाँ पे रहेगा। यानी कि ये जो हमारा ये जो राइट वाला आरटीओ होगा उस पर यहाँ इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे कनेक्ट होगा, और जो इसके बाद जो इसमें दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे राइट से आउट हो जाएगा, और ये लेफ्ट वाला इस पर कनेक्ट होगा, उसके बाद ये वाला हमारा आउट हो जाएगा। यानी ये दोनों पॉइंट हमारा डायरेक्ट जो है ब्लूटूथ पैनल पर होगा। चलिए इसको भी हम कनेक्शन यहाँ पर कर देते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, हमने ऑडियो सिग्नल के कनेक्शन कर लिया, हमने यहाँ पे पोटेंशियल मीटर लगा दिया, और ये हमारा लेफ्ट राइट और ग्राउंड का कनेक्शन हो गए, और रेड वाला जो है हमारा एफएम रेडियो का, ये हमारा ब्लूटूथ पैनल में यहाँ पे लग जाएगा। इसके बाद जो है ब्लूटूथ पैनल को पावर देने के लिए यहाँ पे हम जो है आप देखिए ये 5 वोल्ट डीसी का कनेक्शन कर देते हैं प्लस माइनस का। तो बोर्ड के पीछे हमने पहले से ही इसमें मार्क लगा दिया है। ये देखिए, चलिए इन दोनों पॉइंट पर भी हम यहाँ पर कनेक्शन कर देते हैं। ये हमारा जो इसका सॉकेट है, चलिए प्लस माइनस का हम यहाँ पर कनेक्शन कर देते हैं। तो ये देखिए, हमारा 5 वोल्ट डीसी के कनेक्शन हो गए हैं, जो कि हमारा ब्लूटूथ पैनल को ये पावर देगा। इसके बाद जो हम यहाँ पे स्पीकर के कनेक्शन करेंगे, ये देखिए ये हमारे स्पीकर के कनेक्शन हो गए। तो स्पीकर का कनेक्शन करने के लिए ये देखिए इस तरीके का मेरे पास ये स्पीकर कनेक्टर है, तो ये मुझे लोकल मार्केट से 20 रुपये का मिल गया। तो आप इसमें देखिए यहाँ पे 3-3 पॉइंट दिए हुए हैं, यानी कि 2 स्पीकर इसमें लगेगा, 2 स्पीकर इसमें लगेगा, यानी 4 स्पीकर, उसमें 3 पॉइंट है। यानी ये वाला जो है हमारा कॉमन है, और ये हमारा राइट और लेफ्ट स्पीकर के लिए है। तो आप ये देखिए बीच वाला में कॉमन वाला कर देंगे, और ये इन दोनों जो पॉइंट यहाँ पर हैं आपको मैं एक बार फोकस करके दिखा देता हूँ। ये जो पॉइंट यहाँ पे दो पॉइंट है यहाँ पे, ये और ये वाला, तो इनको जो है अलग अलग पॉइंट पे सोल्डिंग कर देंगे। तो यहाँ पे एक स्पीकर कनेक्शन हो गए, तो वैसे ही अगर आपको दूसरा करना है तो इस वाले पे आप कर सकते हैं। तो काफ़ी आसानी, आपको काफ़ी सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ। चलिए स्पीकर के भी यहाँ पे कनेक्शन हम यहाँ पे कर देते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, हमने स्पीकर के यहाँ पे राइट स्पीकर, लेफ्ट स्पीकर और हमारा ग्राउंड वाला है, हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है। ये देखिए बोर्ड के उल्टे साइड से, ये देखिए तो इसके कनेक्शन हो गए। इसके बाद 2 कनेक्शन हमारे बचते हैं, एक ट्रांसफार्मर के और हमारे जो है इसके बेस कंट्रोल के कनेक्शन बचते हैं। ये देखिए 2 पॉइंट ये बचे हैं, तो चलिए इनके भी कनेक्शन कर देते हैं। ये देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट बचा है, ये हमारा ट्रांसफार्मर का है बेस का, चलिए इसका भी कनेक्शन हम कर देते हैं। तो हम इसको पलट लेंगे इस तरीके से, क्योंकि कनेक्टर हमारे पास है नहीं। अगर आपके पास कनेक्टर है तो आप जो है इसे जो कनेक्टर से कर लीजिएगा। ये देखिए बेस के 3 पॉइंट आ रहे हैं, यानी ये वाला ग्राउंड है हमारा। ये देखिए इस तरीके से हम समझा देते हैं, तो ये ग्राउंड वाला हमारा इस तरफ रहेगा, और ये दोनों पॉइंट जो है हमारा इन दोनों पॉइंट पर बराबर पैरालेल, मतलब कि क्रम वाइज से सीरियल वाइज जो है इसको यहाँ पर कनेक्शन करना पड़ेगा। चलिए इसका भी कनेक्शन हम यहाँ पर कर देते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, हमने यहाँ पे पोटेंशियल मीटर का भी कनेक्शन कर दिया है, जो हमारा बेस कंट्रोल होगा। इसके बाद हमारे आखिरी कनेक्शन बचता है ट्रांसफार्मर का, चलिए हम उसको भी जल्दी से कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने ट्रांसफार्मर के कनेक्शन कर दिए। तो दोस्तों हमारा कनेक्शन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया, चलिए हम इसकी जो है साउंड टेस्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद इस ब्लूटूथ पैनल में ये देखिए, ये जो हमने यहाँ पे हमारा ऑडियो के लिए हो गया राइट लेफ्ट, और ये देखिए ग्राउंड के लिए, तो हमने इसको ऑडियो वाले पे यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, और ये जो हमारा पावर वाला जो आ गया था उसको हम यहाँ पे रेड वाले पोर्ट पे हम इसमें यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं।
तो ये देखिए हमारा ब्लूटूथ पैनल जो है इस बोर्ड से कनेक्ट हो गया है। तो चलिए इसका जो है हम यहाँ पे दोनों वायर जो हमारा रेड वाला डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी पे लगाते हैं और इसका जो है साउंड हम यहाँ पे सुनते हैं। ये देखिए हमने जैसे यहाँ पे पावर ऑन किया, देखिए इसमें यहाँ पे लाइट जलने लगी है। ये देखिए यानी ये ब्लूटूथ मोड पे आ गया। चलिए इसे फ़ोन से हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इसे फ़ोन से कनेक्ट कर लिया, चलिए हम आपको इसकी जो साउंड सुना देते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ से जो है गाना अपना प्ले करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम इसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे। तो ये देखिए हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया। इसके बाद जो है हम यहाँ पे इसका बेस बढ़ाएंगे। देख सकते हैं इसका बेस कितना ज़्यादा तगड़ा है, जो हमारा पर्दा है किस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है। देखिए कितना तेज ये पर्दा जो है मार रहा है यहाँ पे, क्योंकि आईसी जो है इसमें 20-50 लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं बेस कितना ज़्यादा इसमें ज़्यादा आ रहा है। फ्रेंड्स आपने इसका बेस देख लिया। तो फ्रेंड्स इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा बोर्ड है इसमें जो हीट सिंक लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा छोटी हीट सिंक है। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि फ्रेंड्स आप इसकी हीट सिंक बदल लीजिएगा, जिससे कि इसकी लाइफ हो जाए बढ़ जाएगी और जो हमारा जो ये जो हमारा जो आईसी है ओवर हीट होने से बच जाएगा। वैसे जो इसमें जो कंपनी ने लगाया है ठीक ही लगाया है, छोटा सा हीट सिंक लगाया है, मगर आप जो है इसको बदल दीजिएगा, क्योंकि अगर लगातार 4-5 घंटा लगाएं इसे लगातार चलाएंगे तो हो सकता हो ये बोर्ड ख़राब हो जाए, इसकी आईसी यहाँ पे जल सकती है ओवर हीट होके। तो इसको आप बदल दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा छोटा हीट सिंक है। तो चलिए एक बार मैं आपको स्पीकर भी इसमें कनेक्ट कर देता हूँ और एक एनसीएस सॉन्ग आपको बजा देता हूँ, क्योंकि इसमें जो है वो कॉपीराइट आने का इशू है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक एनसीएस सॉन्ग सुना देंगे। तो यहाँ पर हम स्पीकर कनेक्ट करेंगे। तो हमने जो है मार्केट से इस तरीके का देख सकते हैं रेडीमेड स्पीकर ख़रीद लिया है, क्योंकि फ्रेंड्स हम इसमें सिंगल टावर नहीं बना रहे हैं, तो इसमें जो है हम अलग से जो है स्पीकर इस तरीके का ख़रीद लिया, क्योंकि हम इसको बनाएंगे तो फ्रेंड्स इसको बनाने में ही हमारा 150-200 रुपये लगा था, कि 90 रुपये में हमें लोकल मार्केट से इस तरीके का स्पीकर मिल गया। ये देखिए और ये इसका कनेक्टर है, ये देखिए चलिए इसको यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं। तो ये देखिए ये यहाँ पर हमने इसको ये देखिए ये जो कनेक्टर यहाँ से कनेक्ट कर दिया, तो स्पीकर हमारा कनेक्ट हो गया। चलिए एक एनसीएस सॉन्ग आपको यहाँ पे हम बजा के सुना देते हैं। चलिए एक बार इसमें हम गाना प्ले कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसका साउंड बढ़ाएंगे। ये देख सकते हैं इसमें स्पीकर की साउंड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फ्रेंड्स ये हमारा स्पीकर 10-10 वाट का है, यानी 4 स्पीकर इसमें लगाएंगे तो ये 40 वाट का हमारा स्पीकर का हो गया आउटपुट। तो काफ़ी ज़्यादा इसकी तेज आउट इसका जो है साउंड है। चलिए अब बेस को भी बढ़ा देते हैं साथ में। फ्रेंड्स आपने इसका जो है यहाँ पे साउंड सुन लिया, काफ़ी ज़्यादा अच्छी साउंड है इसकी। तो फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है हम यहाँ पे इसको जो कंप्लीट होम थिएटर बना के दिखाएंगे, उसका हम अलग से पूरा कैबिन बनाएंगे सिस्टमेटिकली। और इस वीडियो में हमने केवल आपको हमें जो है इसमें कनेक्शन बताना था, तो हमने यहाँ पर कनेक्शन बता दिया है। तो इसके बाद अगले वीडियो में हम यहाँ पर कनेक्शन नहीं बताएंगे इसमें फ्रेंड्स, हम इसको जो है डायरेक्ट जो अपना होम थिएटर का जो अपना कंपार्टमेंट है उसमें बनाएंगे और सारे कंपोनेंट जो है इसमें जो है हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, ब्लूटूथ पैनल हो गया, उसको वहाँ पर फिक्स करेंगे लगाएंगे, तो कंप्लीट होम थिएटर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स
इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिए क्योंकि बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, हमने काफ़ी अच्छी तरीके से इसको समझा दिया आपको। तो इस वीडियो की मदद से काफ़ी आसानी से जिन लोगों को होम थिएटर कनेक्शन करना नहीं आता है, वायरिंग करना नहीं आता है, वो इसके मदद से वायरिंग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कैबिन बनाएंगे इसका, और इसका जो एयर पाइप जो इसमें लगाना है हमें, कैसे लगाना है, कैसा कैबिन रहेगा, कितना साइज रहेगा, अपने बूफर के हिसाब से जो है हमें जो है इसे बनाएंगे हम। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।